अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हमदो सना तो बाद करीम नबी अकल ही सलातो वसलाम दी बारगाह दे अंदर हदीए दरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ गोहां अल्लाह ताला मैनु हक सच बयान दी तौफीक अता फरमाए सुन के सुना के मैनु तुहानू सानू सब नू अल्लाह अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मुहतरम माहे रजबुल मुरज्जब दा बाबरकत महीना में इस महीने नूं दो ऐसियां अजीम नस्बतां हासिल ने। पहली नस्बत हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी विलादत दा इस महीने नूं भी शर्फ हासिल कि आप दी विलादत इस महीने विच हुई। दूसरा इस महीने नूं शर्फ हासिल है इस महीने के अंदर तीरी दे मेरे आका जहरा दे बाबा हसनैन दे नाना सद्दीक उमर उस्मान अली दे आका मौला मलजा महबा आपनू इस महीने की 27 तारीख को मेराज करवाई गई। अपने परवरदिगार का दीदार करवाया गया वे इस महीने नू ए भी शर्फ हासिल है। इस महीने नू ये गल भी कर रही है ये शर्फ भी हासिल है कि इस महीने में नमाज आई है। समझ आ रही इस महीने में नमाज लियांदी गई वे। तो अजीजा ने मुहतरम अज जेड़ा मौजू लैके मैं दोस्तों की फरमाइश भी महीने की नस्बत भी और मेरे बहुत ही अजीज भाई सरजमीने कमालिया दे विच बैठे ने जेड़े वीर सानू नर दे जरिए सुनते ने उन्हां दी भी फरमाइश सी कि मौला अली सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दा जिक्र खैर सानू सुनाया जावे। उस मेरे वीर का नाम मुहम्मद वकास सी ते माशाल्लाह उत्थे बैठ के कमालिए दी सरजमीन दे साडे हरबान शरीफ दी गल्लां सुनदे ने। माशाल्लाह बड़ी साडी खुश नसीबी है कि साडी इस मस्जिद दी रिकॉर्डिंग जदों नड़ते चलदी आलमी दुनिया सुनदी है सानू ते कहिंदे ने लोग बड़े मुहब्बत वाले ने। अजीजां ने मुहतरम मौला अली इस महीने दी 13 तारीख 13 रजबुल मरजब नूं दुनिया दे तशरीफ लैके आए ने। आपका मकाम आपकी इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बयान फरमाई कुरान अंदर 300 मकाम ऐसे ने इस तो ज्यादा भी हो सकते ने पर बंदे ने चीज के मुताले के अंदर 300 मकाम ऐसा वे कुरान अंदर जिथे मौला अली सरकार की जिक्र किया जाता वे और मौला अली सरकार की शान बयान की जाती है। मेरी मौला अली सरकार की शान बयान करने वाला कौन है खालके कैनात किंदे विच अल्लाह दे कुरान विच की जा रही है। अजीजा ने मुहतरम यकीनन बड़ी शान है ओ मौला अली सरकार के जिन्हां नूं ए भी मकाम हासिल है। अल्लाह ने नबी ने 1 लख कमो पेश 26,000 तो भी ज्यादा या घट भी सकते ने
सहाबा मेरे मुस्तफा दे गुलाम किसे नु शर्फ हासिल नहीं होया कि नबी ने उन्होंने अपना वीर आख्या होवे। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है जे वीर आख्या ते मौला अली सरकार नु आख्या है। मौला अली सरकार नु अल्लाह ने अल्लाह दे प्यारे महबूब ने अपना वीर आख्या है। आप दी शान मकाम बहुत है, अल्लाह ने बड़िया शाना दिना नवाजिया। अजीजा ने मुहतरम मौला अली सरकार नु ए भी निस्बत हासिल है कि मेरे मुस्तफा ने इस रोहे जमीन के उत्ते चार हस्तियां ऐसिया ने जिन्हां नु अपनी जुबान मुबारक चूसाई है, यानी कि मुस्तफा की जुबान चूसन का उन्होंने शर्फ हासिल होया। पहली हस्ती है जिन्हों मौला अली सरकार किया जाता है, जिन्हों जुबान मुस्तफा चूसन का शर्फ हासिल होया। आपनू मुस्तफा की जुबान चूसन का शर्फ हासिल होया कि दूसरी हस्ती सैयदा जहरा बाग, तीसरी मौला हसन, चौथे मौला हुसैन। अल्लाह के नबी की जुबान एक है, चूसन वाले चार ने, चुसाउन वाला एक है, टोटल किन्ने बन गया पांच। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया को पैगाम दिता, कह दुनिया वाले सुन लो, फिर ये सारे की जुबान पंजा की इको ही सारी जुबान। साड़ी पंजा की जुबान एक ही है, थोड़ा जा इंडियन भी पिछड़ बोल, बस इतने रखे फरमाया थोड़ी जी बधा, अगले भी बधाओ थोड़ी, बस ठीक फरमाया। साड़ी पंजा की जुबान इको ही है, साड़ी पंजा की जुबान एक ही है। आओ कि मुस्तफा करीम अलैहि सलातु वस्सलाम की जुबान चूसन का शर्फ मौला अली सरकार। मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अल्लाह के नबी ने जो बचपन है ना मौला अली सरकार का गोदी में उठाया वे तीन दिहाड़े देने जुबान चुसाई, जुबान चुसाई। बुजुर्ग ने दीन फरमाते ने चुसान की वजह यह सी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अली जुबान चूस रहा है, इस जुबान का मैं गवाह हूं, बेटी मेरी होवेगी बेगम तेरी होवेगी, बेटी मेरी होवेगी बेगम तेरी होवेगी। हजरत ये भी मकाम आपनू हासिल होया कि मुस्तफा करीम अली सलातु वस्सलाम जी नूरे नजर है, मुस्तफा दे जिगर का टुकड़ा, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा ज़हरा, ओ बीबी कि जिन्हों जन्नती औरतों का जन्नती औरतों के उत्ते शर्फ हासिल है, उन्होंने सब तो आला मकाम सैयदा कायनात आवे है, आपकी बेगम बनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैनू की मनदे हो सोरिया तुसी अल्लाह के नबी हो, फरमाया मैनू अपना मौला मनदे हो। सहाबा ने अर्ज की सोरिया हाँ वास तू साडा मौला वे, साडा मौला वे, असी तेनू अपना मौला मनने वा। ए गल की मेरे लजपाले आका ने फरमाया सहाबा मेरी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी अली अली मजमे दे विच बैठे गा चल के आए मुस्तफा दे कोल, अल्लाह दे नबी ने खड़ा कीता वे, अल्लाह दे नबी ने बाजू नू पकड़िया, अली दा बाजू नबी पकड़िया ते बुलंद कर छड़िया वे। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जिन्ना मैं मौला
ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਵੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਖ 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 ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਬਖ ਬਖ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਖ 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 ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਐ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਐ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਵੀ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਲਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਕਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਰਾਵੀ ਸੈਯਦਨਾ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੋ ਯਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਖਲੋਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀਆ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਐਸਾ ਹੈਦਰੀ ਰਹਿਣਾ ਏ ਦਮਾ ਦਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਖੇੜਾ ਏ ਦਮਾ ਦਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਮਾ ਦਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਸਾਲੀ ਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ
जेड़े पुलिस रात तो जन्नत ही गुजरनगे ना उन्नी देर बंदा कोई जन्नत च नहीं जाएगा जिन्नी देर अली उन्हों टिकट ना देगा। है अली दी टिकट मिलेगी उन्दे कोल पर्ची होएगी तो जन्नत विच तां दाखल होएगा नहीं तो पुलिस रात ही तो उत्थे डिग पेगा गां ते जाएगा नहीं। जिहड़ा पुलिस रात क्रॉस कर गया समझ लो तो जन्नत च गया। आओ मुसलमान भाइयों मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो सैयदना फारूक सैयदना सदीकी अकबर नूं मिले ते सैयदना सदीकी अकबर ने फरमाया ऐ अली तेनू मुबारक होवे। फरमाया हुज़ूर का दिया मुबारकां दे रहे हो। फरमाया मुबारक इस गल दी वे अल्लाह दे नबी ने फरमाया उन्नी देर कोई बंदा जन्नत विच नहीं जाएगा जिन्नी देर तक तुसी टिकट नहीं दवोगे। ते मौला अली सरकार ने फरमाया सैयदना सदीकी अकबर नूं कहण लगे ऐ सदीक फिर मुबारक तुहानू वी होवे मेरे नबी ने फरमाया सी अली टिकट ओनू देनी वे जिंदे दिल विच अबू बकर दा प्यार होवे। फरमाया टिकट उस बंदे नू देनी है कि जिंदे दिल विच अबू बकर दा प्यार होवे। असी अज की कहने वा ये आपस में कुछ भी नहीं लड़ाइया झगड़े से बयान करने ते नबी तो फरमा रहे ने ऐ अबू बकर ऐ अली उस बंदे नू टिकट नहीं देनी जिंदे विच अबू बकर दा बुगज़ होवे बल्कि उन्हू देनी है जिहड़ा अबू बकर दे नाल मुहब्बत करने वाला होवे। इस वास्ते हजरत ये लड़ाइया झगड़े फसाद जेड़े चारे यारां दे दरमियान लोग बयान करते ने अल्लाह की इज्जत की कसम वह कभी भी आल पाक का मुहिब नहीं तो वह भी कभी आल का नबी दी आल का और नबी दे सहाबा का मुहिब नहीं जिहड़ा आल पाक दे नाल प्यार करे सहाबा नूं मुतबर्रा कवे उन्होंने बारे जुबान तराशी करे और सहाबा दे अच्छा कवे ते आल पाक नूं बुरा कवे वह भी नबी दी सहाबा का मुहिब नहीं। मुहिब उ ही है जिहड़ा नबी दी आल नूं भी मन्नेगा नबी दे असहाब नूं भी मन्ने जिहड़ा नबी दे असहाब नूं भी मन्नेगा। आओ मुसलमान भाइयो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ना मैदान लग्या कुश्ती दा कुश्ती दा मैदान लग्या उत्थे एक पहलवान सी उंदी पहलवानी दे किस्से कर कर चलदे सी लोग कहंदे सी बहुत वड्डा पहलवान है। पहलवानी दा किस्सा कर कर चलदा पिया एक दिन कुश्ती दा मैदान लग्या ते उंदे मुकाबले विच कोई बंदा नहीं आया ऐलान किया कोई है मेरा मुकाबला करने वाला होवे कोई बंदा ना आया। एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा अगा निकलिया हाथ में सोटी बकड़ी जाके उस जवान नूं कहिंदा वे कि बड़िया बड़का पिया मारना वे बड़ी दलेरी दे किसे तेरे खर घर चलते ने मैं तेरी दलेरी नहीं मनदा जदों तू मक्के विच रहण वाले और मदीने की सरजमीन दे मदीने वाले दे प्यार करने वाले अली दे नाल कुश्ती करके आएगा ना तो फिर मैं अगर उन्हें ढा लवें तो तेनू पहलवान मन लवांगा वरना तेरी पहलवानी मैं नहीं मनता। उस बंदे ने जो ये गल सुनी ना तो उन्हें पता फिर जो गैरतमंद बंदा हो मजमे में उन्हें ताना मारिया जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। जो तो उस बंदे ने गल सुनी उन्हें आख्या ठीक है मैं अली दे नाल कुश्ती करने वास्ते तैयार हाँ उन्हें अपनी सवारी तैयार की चलदा चलदा मदीना दुल मुनवरा की सरजमीन से आया मदीने की बाउंड्री से हजे पहुंचा वे तो सामने एक बंदे टाकरा हो गया पूछया कि मैं अली नूं मिलना दे अली कित्थे मिलेगा अली अली मैनूं कित्थे मिलेगा मौला। जो उस बंदे ने गल की उस जवान ने आख्या तेनू अली दे नाल की काम है उन्हें आख्या मैं अली दे नाल कुश्ती करना वास्ते आया वा मैं फला इलाके तू आया वा सुनया अली बड़ा बहादुर है मैं अली दे नाल कुश्ती करनी वे अली मैनू कित्थे मिलेगा। जदों ये गल की मौला अली सरकार दा नाम लिया उस जवान मुस्कुरा पिया वे
मुस्कराया मुस्कराया ना जो फरमाया तू अली दे नाल कुश्ती करने वास्ते आया मैं कह लगा हाँ हाँ मैं अली दे नाल कुश्ती करने वास्ते आया वा उस जवान ने कहा पहले मेरे नाल कर फिर अली दे नाल कुश्ती कर मेरे नाल कर फिर तेन मैं अली का पता दसांगा जो ये गल की ना उस जवान ने जिहड़ा सवारी ते बैठा है हुण कहिंदा है कि तू बच्चा है तेरे नाल मैं कुश्ती करा ये मेरी शान के खिलाफ है मेरी शान के खिलाफ है। उस बंदे ने मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने नाल कुश्ती करने वास्ते आया ते जिहड़ा सामने खलोता उन्होंने कह रहा तू बच्चा वे उस सामने जिहड़ा खलोता सी ना उन्हें पता कौन सी मौला अली सरकार सी है मौला अली सी मौला अली सरकार का कद छोटा सी सीना मुबारक बड़ा चौड़ा सी बहुत चौड़ा सी इतना सी कि अगर आप सीधे सुते होंदे सी ना तो साइड बार जो सोंदे सी तो आपका सीना मुबारक इतना चौड़ा सी कि जो साइड बार सोंदे सी ना पिछली साइड से अगर उठ आण के खड़ा हो जाता सी तो उठ नज़र नहीं आता सी इतना चौड़ा सीना सी तो जिहड़ा सवारी ते बह के कह रहा तू बच्चा है वह कितना वड्डा जवान होगा यार उस बंदे की जवानी कितनी होगी उस बंदे का सीना और कितना कद आवर होगा बंदा कि जिहड़ा मौला अली सरकार नूं पिया कहिंदा कि तू अजे बच्चा है उस बंदे नूं नहीं पता कि ए अली वे आपने फरमाया पहले मेरे नाल कर फिर अली का पता दसांगा आओ मुसलमान भाईओ मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फिर किया मेरे नार कर फिर अली दा पता दसांगा वो बंदा सवारी तो थले आया वे सवारी तो थले आण के कहंदा वे चल ठीक है तेरे नार भी दो हाथ कर लैंदा वा कुर्बान जावा जदों हत्था विच हाथ पैने पैर दे नाखरां तो लैके सिर दे वालां तक जिन्निया जिस्म दे अंदर नाड़ा ने सारिया नाड़ा दिया नाड़ा हाथ विच आ गई ने ते चक के जमीन ते जो रखिया ते मौला अली सरकार उत्ते बैठ ते आपने फरमाया दसा अली दा पता फरमाया दसा अली दा पता उस बंदे ने आनन वेख्या फालन वेख्या उत्ते वेख्या थले वेख्या मशरक मगरब शमाल जनू हर पासे निगाह मारी ते फरमाया अल्लाह दी इज्जत दी कसमे मनु इंज प्या लगदा जिवें अली तू ही है इंज प्या लगदा है कि जिवें अली तू ही अज तिकर किसे मां ने ओ लाल जमया ही नहीं जेड़ा मेरा मुकाबला कर जावे फरमाया अज मनु ऐ के पता लग गया वे अली तू ही है मैं मशरक विच मगरब विच शमाल जनूब आसमाना ते जमीन विच वेख्या अली मनु नजर नहीं आया इस बंदे नूं किवें पता लग गया अली ये ही अली तां पता लग गया जदों फैज मिलिया ना अली दे हाथ दा है वह वैसे किसी मुरशद दा हाथ लग जाए असी उस हाथ नूं चुमने आ क्योंकि इस हाथ नूं मेरे मुरशद दा हाथ लग गया वे ते अल्लाह दी इज्जत दी कसम जिन्हूं कुट के मौला अली सरकार ने पकड़िया होवे उस बंदे नूं किवें हो सकदा कि उन अखां दे के पड़दे रह जान फरमाया मैं सारे पासे निगाह मारी मैनू किधरे भी कुछ नज़र नहीं आया जिधर वेखिया है मैं कोई शह नज़र नहीं आई बस मैं लगता अली तू ही है अली तू ही है फिर वह बंदा भी कहना होगा तू अली से लड़े जे तेरी अकल तू अली से लड़े ये तेरी अकल लोमड़ी अरे वो खुदा का शेर है
फरमाया मैनू इंज पिया लगता वे कि जिमें जमाने में होर तेरे तो अलावा अली है ही कोई नहीं। ये मौला अली सरकार को अल्लाह ने बहादुरी भी बहुत अता फरमाई सी। मेरे मुस्तफा करीम अली सलातुस्सलाम दे इस गुलाम दी शान मकाम कुरान अंदर भी और अहदीसा के अंदर भी मेरे मुस्तफा अक्सर मौला अली का जिक्र कर दिया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने हज़रत अली साढ़े घर जो आते एक कमरे के अंदर अबू बकर दूसरी चार पाई थे मौला अली बैठ जाते अगे पिछे कोई आना ना तो हज़रत अबू बकर मेरे बाबे ने बड़िया ही गल्लां करनी उस बंदे नाल पर अल्लाह की इज्जत की कसम है जो मौला अली पाक आ जाते ना तो मेरा बाबा गल्लां घट करता सी अली का चेहरा बहुता वेंदा सी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मी आयशा सद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने बाबा अगे होर कोई भी बंदा आ जाए तुसी बड़िया गल्लां कर दे हो पर जदों अली आ जाए तुसी गल्लां नहीं कर दे बल्कि अली दा चेहरा तक दे हो। फरमाया बाबा वजह की वे आपने फरमाया बेटी मेरे लजपाल आगे ने फरमाया वे जेड़ा अली दा चेहरा तकड़ा भी अल्लाह ने इबादत विच लिख देंदा वे। फरमाया अली दा चेहरा थकना भी इबादत अज जे असी अर्ज कर लई हुज़ूर अल्लाह ने नबी दी बारगाह विच असी अर्ज कर लैने वा सोणिया अली दा चेहरा थकना इबादत जे अज असी अली दा जिक्र करिए सानू भी कुछ मिलेगा। मेरे लजपाल आका दी तरफों आवाज आई ओ मेरे गुलामो अली दा चेहरा तकना भी इबादत ते अली दा जिक्र करना भी इबादत। फरमाया कि अली दा चेहरा तकना भी इबादत ते अली दी जिक्र करना अली दा जिक्र करना मेरे मुस्तफा ने फरमाया वह भी इबादत। हजरत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला नू की कहने मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम दे इस गुलाम दे के मुस्तफा दी जिहड़ी सब तो लाडली बेटी सी तियां ते सारे नू सारियां प्यारियां होंदियां ने हैं कुछ औलाद विच एक ऐसा भी बच्चा होंदा है कि जिंदे नाल बहुता प्यार होंदा वे ते मौला मेरी सरकार नू सब तो ज्यादा प्यार सैयदा फातिमा तो ज़हरा नाल ते मेरे मुस्तफा दी अपनी बेटी का निकाह मौला अली नाल कर छड़िया ते ओ अली कि जिन्हां दे बारे मुस्तफा दी तरफ जबरील पैगाम लैके आंदा वे सुनिया अल्लाह दा पैगाम है मैं जबरील भी प्यार करना वा ते मेरा रब भी प्यार करदा है सोना तुसी भी प्यार करो किंदे नाल अली दे नाल प्यार। मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर दा भी तुसी वाकया सुनिया वे ना कि खैबर फतह नहीं हो रही खैबर फतह नहीं हो रहा मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम ने ऐलान फरमाया साहबा आराम करो जाके सुबह मैं झंडा उस बंदे नू दवांगा कि जिंदे हाथ विच अल्लाह ने साडे वास्ते फतह लिखी वे साडे वास्ते फतह लिखी वे। कुर्बानी जावा मौला अली सरकार सुबह हुई तो सरकार ने फरमाया अली किथे वे हजूर अखां दर्द कर दियां ने आराम कर रहे ने फरमाया अली नू बुलाओ अली नू बुलाया गया मौला अली सरकार आए फरमाया अली झंडा पकड़ जो तो झंडा पकड़िया हजूर फरमाया चल खैबर वाल हजूर बीमार अखां दर्द फरमाया आए अली हुण खैबर वाल तू जा रहा वे अल्लाह ने खैबर तेरे हाथ विच फतह लिख छड़ी वे ते मौला अली सरकार गए अल्लाह की इज्जत की कसम वह दरवाजा खैबर का जेड़े 400 नारों ज्यादा बंदे मिलके उस दरवाजे को खोलते सी ते मौला अली सरकार ने हाथ पाया तो दरवाजे नूं इंज करके चुक दिता हवावां दे विच बुलंद किया है। ये मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला नूं अल्लाह तआला ने इस वास्ते फरमाया कि अली असदुल्लाह वे ये मेरा रब दा शेर है। कोई कहे आ मेरा पुत्र बड़ा शेर है कोई कहना आ मेरा पुत्र शेर है तो जिन्हों रब आखे अली शेर है उनका कौन मुकाबला कर सकता वे। अल्लाह की इज्जत की कसम है मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम खंदक खो रहे ने
काफरा ने हमला कर छड़िया, काफरा ने मदीना तो मुनवरा ने हमला किया, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा ने उन्होंने एक काफर बड़ा बहादुर से जेड़ा एक हजार बंदे दे नाल मुकाबला करता सी, कल्ला जाना एक हजार बंदे दा मुकाबला कल्ला करता सी, एक साइड से हजार बंदा एक साइड से काफर कल्ला लड़ता सी, ते हजार बंदा उनका मुकाबला नहीं कर सकता सी, इतना बहादुर सी। उन्हें खंदक के अंदर दाखिल होया, ललकारिया ओ मुसलमानों कोई है कि तुसी ते कहंदे हो जे जंग विच कतल हो गया तो शहीद जन्नत मिल जाएगी, तो आओ जिन्हें जन्नत लैनी मैं तुहानू जन्नत नसीब कर छड्डा, ये ललकारिया। सब तो पहले जेड़े खड़े हुए मौला अली सरकार खड़े हुए, मौला अली ने फरमाया अरज की थी आका दी बारगाह जी सोने इजाजत दो काफर ललकार आवे, काफर ललकार आवे। मेरे लजपाले आका ने फरमाया अली बह जा, उधर एक हजार का मुकाबला करने वाला वे दूसरा फेरा मारे आऊ, कह लगा कौन जेड़ा मेरा मुकाबला करेगा। मौला अली फिर खड़े हो, तीसरी दफा फिर उन्हें ललकारिया है वे तुहाडे विचों ओ बंदा जिन्हें अपनी मां का दुध पीता वे मेरा मुकाबला करे। ते मौला अली सरकार ने अर्ज की थी सोने हूं तो मुसलमाना की गैरत नू ललकारे आवे, सोनिया हूं इजाजत दे दो, हूं अली को बर्दाश्त नहीं आता। मेरी सरकार ने फरमाया जा अली चला जा, अल्लाह तेनू फतह देवेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी सरकार ने फरमाया जा अली, हूं अली जा रहे ने, एक साइड से कुफर है एक साइड से ईमान है, कुफर भी बड़ा ताकतवर हजार बंदे का मुकाबला करने वाला है, इधर मौला अली सरकार दरमियाना कद, कौन मौला अली है जिन्हों मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरा अली होवे, मैं इलम का शहर हाँ उनका दरवाजा अली है, है? मेरी सरकार ने फरमाया अली होवे जिन्हों अल्लाह ने कुल्ले ईमान दे के कुर्बान जावा। अली जा रहा वे एक साइड से बातल एक साइड से मौला अली सरकार कुफर का मुकाबला करने वास्ते जा रहे ने, ते काफर दे नार आपने फरमाया बेली आओ गल बात ही होने लग पी। मौला अली सरकार ने फरमाया वार कर, उन्हें कहा अली मेरी शान नहीं, मेरी शान नहीं। फरमाया शान तो मेरी भी नहीं कि मैं पहले वार करा, क्योंकि तू कर ले फिर इना आखी मनु वारी दा हूं मौका नहीं दिता, वार कर ले। जदों अली दा वार आना वे अल्लाह दी इज्जत दी कसम तेनू किसे ने बचाना कोई नहीं। फरमाया जदों मेरा वार होना वे, फरमाया जदों मैं वार करना वे तेनू पता कोई नहीं लगना। हूं उस काफर ने वार किया, मौला अली ने अपनी तलवार ने ना डकिया, तलवार ना डकन तो बाद उस काफर नू ललकारिया बेलिया तैयार हो जा, हुण अली दा वार आया। मौला अली सरकार ने वार किया, इंज हवावां ने अंदर सिर उड़ गया वे, काफर कहंदे ने अली हुण गया हुण गया वे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओ जिहड़े काफर खलोते ने उन्हां दे कदमां दे विच उस काफर दा सिर गया वे। कहण लगे हुण वापस मुड़ जाओ, ओ इन्हां दा एक अली काबू विच नहीं आया, ते नबी दे सारे गुलामां दा असीं किवें मुकाबला करांगे। अली का जो वार किया माया बेलिया तू बर्दाश्त नहीं कर सकना, फिर इना कि मैं मौका नहीं मिले कर ला वार। जो असदुल्ला का वार आना है ना अल्लाह के शेर का, तो फिर तेरे को चलिया नहीं जाना। ये अली सी एक दिन ना दमिश्क के अंदर अल्लाह के वली हजरत मौला अली सरकार बैठे ने,
बैठे बैठे ना अखरोट तोड़ रहे ने, अखरोट तोड़ रहे ने, अखरोट तोड़द्या तोड़द्या ना तोड़न की कोशिश करते ने टुटदा नहीं। एक मजमे विच जवान बैठा से कहन लगा ऐली गल समझ नहीं आई कुछ, उधर खैबर एक हाथ ना उखाड़ दिता, उधर काफर एक हजार का मुकाबला करने वाला बंदा उन्हों तुसा एक हजार दे मुकाबला करने वाले तो तुसी भारी आ गए। हजूर गल समझ नहीं आ रही, अज अखरोट टुटिया नहीं। फरमाया बेलिया गल समझ आनी भी नहीं, ये मैं तोड़ रहा अपनी ताकत नाल। खैबर विच उस खंदक विच काफर वासले जहन्नम किया, वो मेरी ताकत नहीं सी, वो मेरे मुस्तफा की निगाह सी, वो मेरे नबी की निगाह का कमाल सी, वो मेरे नबी का फाज सी। इंदे विच मेरा कमाल नहीं, उत्थे नबी का कमाल सी, ये मेरा कमाल है। हजरत इस वास्ते जेड़ा मुस्तफा दे नाल जुड़ गया, अल्लाह ने बड़िया शाना नाल उन्हें नवाजा। कुर्बान जावा मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला नू आप दी शहादत का थोड़ा जा झलक तुहानू देंदा जावा। मौला अली सरकार रमजान मुबारक का चन्न चढ़िया, रमजान का चन्न चढ़िया, उधरों जो चन्न चढ़िया ना तो रात नू सुते, रात नू सुते, तो जो रात नू सुते ना तो ख्वाब विच मुस्तफा आ गया। उधर सैयदा फातिमा दुनिया तो गई, मुस्तफा का पैगाम आया ख्वाब विच वेख्या। इधरों हुण मौला अली दुनिया तो जान लगे ने ते ख्वाब विच मुस्तफा आ गए ने, ख्वाब विच मुस्तफा आया गा ते फिर असीं इहो ही कह सकने आ सुफने अंदर ओए मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया मता फेर बिछड़ न जा। सरकार मिले, सरकार ने फरमाया अली तैयारी कर ला, जुदाइयां खत्म होने वाली ने, तेरा मेरा मिलाप होने वाला वे। फरमाया हुण खत्म होने वाली ने जुदाइयां, तैयारी कर ला। मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु आ फरमाते ने की होया, मैं हर रोज थोड़ा खाना कर दिता, तीन लुकमे सुबह तीन शाम, बस रोजा रखने वास्ते। क्यों खाते सी कि मुस्तफा की सुन्नत सी सहरी करना, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तीन लुकमे सुबह तीन शाम बस। तो मौला हसन पाक ने एक दिन पूछा, बाबा खाना बहुत घट खाते हो, की गल है? फरमाया पुत्र मैं इस वजह नाल घट खाना वा कि मैं अपने मालिक की बारगाह विच जो जावा तो मेरा पेट भरिया ना हो बल्कि खाली पेट अपने रब की बारगाह विच जावा, थोड़ा खा रहा वा। मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला इस तरह सिलसिला चलता रहा। मेरी सरकार फरमाते ने, मौला अली सरकार फरमाते ने कि मैं हर रोज़ एक रात हसन पाक दे वेड़े, एक रात हुसैन दे वेड़े, एक रात अपनी बेटी दे वेड़े जैन पाक दे, इस तरह अपनी औलाद एक एक रात रह रहा वा, एक एक रात। आओ मुस्तफा करीम का एक गुलाम मौला अली सरकार, उधरों उन्नी रमजान का चन्न चढ़ गया वे, उन्नी रमजान का चन्न चढ़िया, रात सुता रात में सौ गया, जो रात सुता ना सुबह का सहरी का टाइम होया। मौला अली सरकार फरमाते ने जब रात सुता सुबह सहरी का वेला होया, सहरी की नमाज वास्ते मस्जिद च जा रहा वा, एक साइड दे हसन दूसरी साइड हुसैन, जब मैं मस्जिद वाल जा रहा वा, मस्जिद वाल जाना वा, छोटिया छोटिया पटखा दे बच्चे भी सामने आ जाने,
ਤੇ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਹੁਸੈਨ ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ हसन हुसैन इन बख्तां नूं कुछ भी ना कहो ए बख्तां रोंदियां ने ऐ अली तुसी जा रहे हो अज आखरी दीदार फिर तुसी मिलना कोई नहीं ते बख्तां भी कहंदियां हुण गिया हूं ऐ अली ना जावो ना जावो अज तुहानूं वेख रहे आ फिर नबी दे वीर दा दीदार कोई नहीं होवेगा अज नबी दा वीर जा रहा है आखरी बार फिर नबी दे वीर दा दीदार नहीं होवेगा मौला अली सरकार चलदियां चलदियां मस्जिद दे विच जाके नमाज निकली पहली रकत अदा की दूसरी रकत वास्ते खड़े हुए जदों दूसरी रकत वास्ते खड़े हुए दुश्मन अगा वध्या जदों दुश्मन अगा वध्या उन्हें सिर विच तलवार मारी मौला अली सरकार दे सिर विच तलवार चलदी चलदी जदों कन पटी दे बराबर आ गई खून दा फुहारा निकलिया वे फुहारा निकलिया मौला हसन पाक क्या बदे मौला अली नू चुकिया जमीन दे डिग गया आपने जो चुकिया ते मौला अली सरकार ने फरमाया हसन मैनू छड़ दे मेरे रब दी नमाज नू पूरा करा दे फरमाया मैनू छड़ मेरे रब की इबादत विच खलल पैदा हो रहा उन्हें पूरा करो वेखो जिन्ना ने बच्चों की तरबीयत इस तरीके ना की हजरत तुम ही अपने बच्चों की अगर तरबीयत कर जा अल्लाह की इज्जत की कसम है मौला अली पाक सर पूरे का पूरा तलवार के नाल कट दिता गया पर फिर भी नमाज की फिक्र है हजरत अज असी भी मुहब्बत करने प्यार अपनी जगह देवे पर प्यार ये नहीं के नारे मार लाते प्यार है प्यार इस चीज का नाम है कि मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला नो आपने कदी नमाज छड़ी नहीं नमाज छड़ी नहीं असर का टाइम नमाज रह गई नमाज रही ना अखा विचों हंजू जारी हो गया अखा विचों हंजू जारी हो गया तो मुस्तफा करीम ने फरमाया अली क्यों प्यार रोना वे अली रोन की वजह की वे मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया सोनिया अली दी नमाज असर दी जमात नालो रह गई नमाज जमात नालो रह गई मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली नमाज का टाइम है जे पढ़नी है तो पढ़ लै अर्ज की हजूर जो तुहाडी बारगाह विच भी रह के ते कदा नमाज ही पढ़नी है ते कल तिकर क्यामत तक आने वाले मौलवी और मुल्ला जेड़े मेरे ते तनकीद करनगे जे नबी कुछ कर सकदा हुंदा ते अली दी नमाज अदा ना करवा लैंदा अली दी नमाज अदा ना करवा लैंदा जदों ये गल कीती ना ते मेरी सरकार ने जदों गल मौला अली दी सुनी आपने उत्थे बैठे हां इंज करके सूरज नूं इशारा कीता सूरज वापस आ रहा वापस सूरज नूं 70,000 फरिश्ता अगे हुंदा 70,000 पिछे 70,000 सज्जे 70,000 खब्बे खिच के लैके जाते हैं तो सूरज को जो वापस खिच के इन्हों फरिश्तियां लैके आ रहा वे तो फरिश्तिया फरिश्ते बोले उन्हें कहा जी की बनिया सारी उम्र का असी सूरज को खिच के ला के जाने वा अज की मसला बनिया कि अज सूरज सानू पे लैके जा रहा वे अल्लाह की इज्जत की कसम है उस वक्त सूरज भी बोलिया होगा ऐ फरिश्तो मैं नहीं ला के जा रहा तुहानू मुहम्मद दा इशारा ला के जा रहा तुहानू सोने मुहम्मद दा इशारा ला के जा रहा वे ते मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम दे गुलामो फिर मेरा वजद ईमान ये कहंदा है
कि जिस मुहम्मद की उंगल का एक कमाल है उनके पंजे का की कमाल होगा है। जिस मुहम्मद की उंगल का एक कमाल है उनके पंजे का की कमाल होगा, तो जिन्हे पंजे का एक कमाल है उनके बाजू का की कमाल होगा, जिन्हें बाजू का एक कमाल उन्हें एक तन का की कमाल, जिन्हें एक तन का एक कमाल उन्हें पांच तन का की कमाल, उन्हें पांच तन का की कमाल होगा। हजरत मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम ने सूरज नूं वापस मोड़िया, नमाज अदा की, मौला अली सरकार नूं अज पंगा पी के भी मनन वाले आए ने, बड़े बड़े नारे मारते ने, ऐसा अली दा मनन वाला नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम है अली दा ओ ही है। मेरी मौला अली सरकार ने फरमाया मनू मनन वाले भी जहन्नम च जाणगे ते मेरे मुनकर भी जहन्नम च जाणगे। हजूर तुहाडे मुनकर तो समझ आ गया जहन्नम च जाणगे, मनन वाले क्यों जहन्नम च जाणगे? फरमाया मनू हद तो ज्यादा मनणगे, है हद तो ज्यादा मनणगे, वह बंदे भी जहन्नम च जाणगे ते जेड़े मेरे मुनकर ने वह भी जहन्नम च जाणगे। हजरत हर एक बंदे का अपना अपना मुकाम है, तो जे मुकाम तो वद मनीए तो याद रखिया जो मनना नहीं होया वो अपने आप को जहन्नमी बना लेगा। आओ मुस्तफा करीम के गुलामों, मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला ने सरकार ने फरमाया कि हसन तुसी नमाज पढ़ाओ। मौला हसन बाग रदी अल्लाह तआला ने मुसल्ला रसूल दे खड़े हुए नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद मौला हसन बाग रदी अल्लाह तआला ने सलाम फेरिया, वेखिया पीछे मौला अली खलो के नमाज पे पढ़ दे, नमाज पे पढ़ देने जो नमाज मुकम्मल हुई उस काफर नु भी पकड़ लिया, उस काफर नु भी पकड़ लिया, पकड़ के ना मौला अली सरकार नु घर ला के आ गया। 19 का दिहाड़ा भी गुजर गया ते 20 भी गुजर गया ते 21 दी सुबह हुई, सुबह जो हुई रात मौला अली सरकार ने बड़े बड़े मनाजर देखे। राम मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला ने रात सुते फिर मियां साहब भी बोलिया फरमाने ने रात पवे दे दरदानू, रात पवे दे बे दरदानू, नींद प्यारी सजण दी सुतियाण जगावे, अल्लाह अकबर कबीरा। जो सुबह का टाइम होया मौला अली सरकार के सामने उस काफर नु पेश किया गया, मौला अली सरकार ने बुलाया, जो तो सामने आया ना मौला अली सरकार ने फरमाया बेलिया कुछ पानी भी पीता ही कि उमें का तेन बन के रखा है? कह लगा हजूर मैं नहीं पानी पीता। मौला अली पाक ने फरमाया हसन जी हजूर, फरमाया जाओ शरबत लैके आओ, शरबत लैके आओ। कुरबान जावा उस अली की सीरत के जेड़ा अपने दुश्मन भी शरबत पिया पिलांदा वे, हैं जेड़ा दुश्मनों भी जिन्हें जान ली उन्हें शरबत पै पिलांदे ने, शरबत पेश किया। मौला अली पाक ने हुक्म दिता कि अगर मैं जामे शहादत नोश कर जावा तो इनू इंज मारिया जो इनू तकलीफ ना हो, इनू तकलीफ ना हो, मेरा रब जाने तो मैं जाना, तुसी इनू तकलीफ नहीं देनी। मौला अली सरकार रदी अल्लाह तआला अन्हु आप जामे शहादत नोश कर गए,
आप जो जामे शहादत नौश फरमा गए, आपने पहले वसीयत की बेटा हसन गसनवी के अंदर मैनू ले जाया, एक पत्थर नजर आएगा जिन विचों नूर चमकदा होएगा, उस नूर दे थले एक जड़ा हूं तोया होएगा कबर बनी होएगी, मनू उन्दे विच दफन कर दिया जे। आओ मुसलमान भाइयो, मौला अली सरकार नू लाके जो गजनवी दे अंदर आए ने उस जगह दे पत्थर हटाया थले कबर तैयार है, थले कबर पहले दी तैयार है, अपन विच लटाया गया जनाजा। मौला हसन पाक ने पढ़ाया, मौला हसन पाक ने कि हजरत दावत फिक्र एक हुई है कि अपने बच्चों की कम अज कम बहुती नहीं इन्नी तरबियत जरूर कर जा कि जो तू मर जाए ना बहुता नहीं कम अज कम तेरी औलाद तेरा जनाजा जरूर पढ़ा सके। हैं किसी मौलवी की जरूरत ना पवे, उस वक्त तू खुद तेरी औलाद इस काबिल होवे कि अगे खड़ के तेरा जनाजा आप पढ़ावे। हजरत खुदारा अपने बच्चों की तरबियत करो और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चन की 13 तारीख वो मंगल की मेरा ख्याल गलबन रात बनेगी इंशाअल्लाह बंदा नचीज मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला नू आप दी विलादत बयान करांगे इशा दी नमाज तो बाद अपनी इस मस्जिद के अंदर 13 रजब नू इंशाअल्लाह मैं खुद बयान करांगा, उनके अंदर मौला अली सरकार की विलादत होएगी ते सारे दोस्तों नू दावत है कि नमाज इशा बाद जमात अदा फरमा के ते मौला अली का जिक्र सुन के अपने ईमान नू ताजगी पहुँचाया जो। अल्लाह के दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा।